ज़ापोरिज़्या की जंग में यूक्रेन को कितनी बढ़त मिली, रूस ने कैसे यूक्रेनी फौज को आगे बढ़ने से रोका, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिलने वाली कामयाबी को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने क्या भविष्यवाणी की। वॉरफ्रंट से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप नाइन। ज़ापोरिज़्या के वॉर फ्रंट पर चल रही भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन की 65वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के जवानों ने रोबोटाइन में रूसी टैंक को ड्रोन अटैक से उड़ा दिया। यूक्रेन के इस विध्वंसक हमले में धमाके के साथ टैंक में आग लग गई। रोबोटाइन पर यूक्रेन कब्जे का दावा पहले ही कर चुका है। ज़ापोरिज़्या में कब्जे की जंग में रूसी कब्जे वाले इलाकों की ओर बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी फौज ने यूक्रेनी टैंकों के काफिले पर हवाई हमला करके भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूस के इस हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। वॉर जोन से रूस के एक और विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया है। रूस की स्पेशल ब्रिगेड ने यूक्रेन के सैन्य जवानों पर रात के अंधेरे में ड्रोन गिराए। इस हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया गया है। रूस ने दावा किया कि बीते 10 दिनों में पूर्वी वॉरफ्रंट पर 50 यूक्रेनी जवानों को मार गिराया गया है। रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेनी फौज पर बारूद की बौछार की। रूस की मारक अटैक हेलीकॉप्टर K-52 ने जंग के मैदान में कहर मचा दिया। रूसी हेलीकॉप्टर से दागे गए गाइडेड मिसाइल से यूक्रेन के कई बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार तबाह हो गए। रूसी फौज के हेलीकॉप्टर ब्रिगेड के हमले के जवाब में यूक्रेनी एयरफोर्स के जवानों ने भी हमले किए। यूक्रेन ने अटैक Mi-24 हेलीकॉप्टर से रूसी पोजीशन पर अनगाइडेड रॉकेट दागे। इस दौरान रूस के हवाई हमले से बचने के लिए यूक्रेन का हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरता हुआ नजर आया। रूस की सेना यूक्रेनी वॉर जोन में नाटो के हथियारों को लगातार निशाना बना रही है। रूस ने कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक पर हमला किया। रूस के कॉर्नेट 80 GM अटैक में 2 चैलेंजर टैंक और 3 आर्मर्ड व्हीकल जलकर खाक हो गए। रूस के ब्रियांस्क में एक बार फिर से ड्रोन हमले से दहशत फैल गई। ड्रोन ब्रियांस्क के क्रेमनी प्लांट के इलाके की एक बिल्डिंग पर गिरा, जिसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई। ब्रियांस्क पर यूक्रेन लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। 2 दिन पहले भी यहां के रेलवे स्टेशन की इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया था। यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि साल के अंत तक यूक्रेनी फौज दक्षिणी फ्रंट पर रूस की सभी डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने में कामयाब होगी। अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारी ट्रेंट मॉल ने कहा कि बीते 2 हफ्ते में यूक्रेनी फौज कई मोर्चों पर मजबूत बढ़त बनाने में सफल रही। दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूस ने सुखोई 34 फाइटर जेट से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। Su-34 से बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग के बाद रूस इसके जरिए किंजल मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। रूस ने Su-34 से बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए हाइपरसोनिक डैगर का इस्तेमाल किया।